विद्यार्थियों, आज अपन ले रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन। इससे पहले आपने पढ़ा था अनुपात। अनुपात के अंदर नए साधार की परिष्कृत समय, नया लाभ एवज अनुपात और त्याग अनुपात। आज जो नया कॉन्सेप्ट है वह ख्याति का मूल्यांकन। याद रखें ख्याति क्या है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट होगा आपका ख्याति के प्रकार और ख्याति की प्रकृति, फिर ख्याति के मूल्यांकन के मेथड, और फर्स्ट आप समझिए गुडविल है क्या। देखो लेखांकन जो अकाउंटेंसी के अंतर्गत है, तो गुडविल क्या है। गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यापार की प्रसिद्धि और लोकप्रियता के कारण है वो सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्रदान करती है, उसको आप ख्याति कहते हैं। और इसके अलावा जो ख्याति के प्रकार है, दो प्रकार की ख्याति होती है। नंबर एक क्रय की ख्याति परचेज गुडविल, और सेकंड होता है स्वर्जित ख्याति यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इतना ध्यान रखना, ये जो क्रय की ख्याति है उसका लेखांकन होता है, और बैलेंस शीट के एसेट्स में इसको आप दिखाते हैं क्योंकि उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ता है। सेकंड होती है स्वर्जित ख्याति, जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और मान लो मैनेजमेंट को संभालने वाले जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं वो सलाह देते हैं कंपनियों को, तो उनके द्वारा जो ख्याति अर्जित की जाती है उसको आप कहते हैं स्वर्जित ख्याति, और उसका मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। लेकिन उसकी उत्पत्ति कब होगी, जब फर्म का पुनर्गठन हो। उसके बाद में आपको समझा रहा हूँ ख्याति की प्रकृति। ख्याति की प्रकृति तीन प्रकार की होती है, बिल्ले के स्वभाव की यानी संस्थागत ख्याति, सेकंड आपका व्यक्तिगत ख्याति यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, और तीसरा होता है आपका आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति यानी चूहे के स्वभाव की ख्याति। इन तीनों में सर्वाधिक जो मूल्य होता है बिल्ले के स्वभाव की यानी संस्थागत ख्याति का सर्वाधिक मूल्य होता है। अब उसके बाद में अपन लेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, जिसमें मैं आपको आज जो ले रहा हूँ मानसिक वो है औसत लाभ के आधार पर। उसमें भी दो मेथड है, सरल औसत विधि और भारी औसत विधि। अब आप देखो फर्स्ट गुडविल क्या है। ख्याति, ख्याति एक अमूर्त अदृश्य कह सकते हैं, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसका सृजन या जिसका निर्माण व्यवसाय या व्यापार, व्यवसाय की प्रसिद्धि, व्यापार की प्रसिद्धि, अच्छे व्यवहार, अनुकूल व्यापारिक दशाओं के कारण, अनुकूल व्यापारिक दशाओं के कारण निर्मित होती है। यह ख्याति का अर्थ दे सकते हैं, परिभाषित दे सकते हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति जिसके निर्माण, व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे व्यवहार, अनुकूल व्यापारिक दशाओं के कारण निर्मित होती है, उसको आप कहते हैं गुडविल। और सेकंड जो मैंने आपको समझाना बहुत महत्वपूर्ण है वह ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। सेकंड जो पॉइंट आपका नंबर एक था ख्याति का अर्थ क्या है, नंबर दो ख्याति के प्रकार। ख्याति दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति, इसको आप कह सकते हैं परचेज गुडविल। सेकंड जो आपका है वो स्वर्जित ख्याति, स्वर्जित ख्याति, सेल्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब आप भी समझिए इनका रेखांकन हिसाब से क्या कहते हैं, क्रेडिट ख्याति रेखा होता है लेकिन सब अर्जित ख्याति का कोई रेखांकन नहीं होता है। क्रेडिट की ख्याति का प्रतिबल चुकाना पड़ता है लेकिन सब अर्जित ख्याति के लिए कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन जो AS 38
कि अजरक सब अजरक ख्याति का कोई लेखा नहीं होता है। आप कह सकते हैं पर प्रतिफल की ख्याति इसका प्रतिफल, इसका प्रतिफल मूल्य, इसका प्रतिफल चुकाना पड़ता है या चुकाया जाता है, चुकाया जाता है अर्थात ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल माइनस सुसंपत्तियां, नेट एसेट, इसको गुडविल बराबर परचेज कंसीडरेशन माइनस सुसंपत्तियां, शुद्ध संपत्तियां। इसका सूत्र होता है इतना ध्यान रखना, गुडविल का सर्वोच्च तब होगा जब जो परचेज कंसीडरेशन है वो नेट एसेट से अधिक हो, तब गुडविल का अनुमान होगा। इसका लेखांकन, इसका लेखांकन AS 26 व इंडियन AS 38 के अनुसार, इसका लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार किया जाता है, किया जाता है। जबकि स्वर्जित, सेकंड जो आपकी टाइप से गुडविल है, स्वर्जित ख्याति का मूल्य नहीं चुकाया जाता है, नहीं चुकाया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में AS 26 व इंडियन AS 38 के अनुसार लेखांकन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इतना जानना, अब इसका सजन कब होगा, साझेदारी, साझेदारी फर्म, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय इसका सर्जन होता है, इसका सर्जन होता है। इतना ध्यान, दो प्रकार की गुडविल होती है, नंबर एक करेक्ट की ख्याति जिसका मूल्य छुपाना पड़ता है और इसका लेखा होता है, बैलेंस शीट के असमा दिखाते हैं, जबकि स्वर्जित ख्याति है इसका लेखांकन आपको नहीं किया जाएगा और इसके इसका जो जन होगा वो फर्म के पुनर्गठन के समय होता है। अब उसके बाद आपको समझा रहा हूं ख्याति की प्रकृति, ख्याति की प्रकृति, देखा। अब आपको जो तीसरा पॉइंट आप दे रहे हैं वो ख्याति की प्रकृति, ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। इतना जानना, ख्याति के दो प्रकार है, करेक्ट की ख्याति और स्वर्जित ख्याति, लेकिन यहां तो अपन पढ़ रहे हैं ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। इसके तीन प्रकार की ख्याति होती है, नंबर एक संस्थागत ख्याति, संस्थागत ख्याति,
इसको आप कह सकते हैं अनिश्चित रूप में कुत्ते के स्वभाव, सॉरी बिल्ली, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। जो पहले प्रकृति आपके हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, सर्वसर्वत ख्याति, इसका मूल्य सर्वाधिकों का क्या कहना है। नंबर दो व्यक्तिगत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति पर्सनल गुडविल, ये इंस्टीट्यूशनल गुडविल है, इसको आप कह सकते हैं कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और तीसरा आपका है आकस्मिक, थर्ड आप कह सकते हैं आकस्मिक घटना के घटने के घटने संबंधी ख्याति, जिसको आप कह सकते हैं चूहे के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति। अब तीनों को नेचर के अकॉर्डिंग आपको माना है कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति आश्चर्य है। संसर्गत ख्याति में क्या होता है कि बिल्ली का स्वभाव ही होता है, बिल्ली उसी घर में रहेगी, कहने का मतलब फर्म का स्वामी बदल जाता है लेकिन जो बिल्ली होती है उसी घर में रहती है, मकान खाली करके चली जाए। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है कुत्ता अर्थात वफादार होना, आश्रमित होना। तो व्यक्तिगत ख्याति में जहां व्यापार का स्वामी जहां रहेगा वहां ग्राहक रहेगा, और आकस्मिक घटना चूहे के स्वभाव की ख्याति, चूहे को जहां खाने को मिलेगा वहां रहेगा। लेकिन तीनों में इस बिजनेस के अंदर व्यवसाय के अंदर सर्वाधिक जो ख्याति होती है वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, बिल्ली के स्वभाव, बिल्ली के स्वभाव की सर्वाधिक ख्याति होती है। और उसके बाद आपको समझना है ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन। आज जो ले रहे हैं इसके तीन पैसे ट्रेड आज जो ले रहे हैं वो है आपका औसत लाभ विधि, औसत लाभों के आधार ख्याति के विश्लेषण कर रहे हैं औसत लाभ के आधार पर। इसके दो प्रकार, नंबर एक सरल औसत विधि, सरल औसत विधि, और सेकंड इसका होगा भारित, भारित औसत विधि, औसत विधि। अब ख्याति का मूल्यांकन का जो पहला आधार है वो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके पहला होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपके क्वेश्चन के द्वारा बात समझा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप समझें सरल औसत विधि का जो क्या होगा, आपको जितने साल का लाभ दे रखे हैं उनका सिंपल औसत निकालना है। अब उसके बाद में वो भारी औसत विधि क्या होगा, आपको वेटेड देना है भाग एक दो तीन चार पांच आदि। लेकिन भारत औसत विधि में लाभों का जो ट्रेंड होगा या तो होगा बढ़ने का या होगा घटने का, तो भारत औसत विधि का इस्तेमाल करना है। और सरल औसत विधि में कभी लाभ बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं या हानि भी हो रही है, तो ये सरल औसत विधि का इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके साथ में लाभ और हानि के साथ में आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, वो एडजस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखना समायोजन, समायोजन यानी एडजस्टमेंट। अब इसमें तीन बातें आपको समझा रहा हूं, इसमें कई बार आपको असामान्य लाभ होंगे, असामान्य हानि होगी, और उसी प्रकार से आपको कुछ वैल्यूएशन के अंदर फर्क है, स्टॉक का मूल्यांकन कम कर दिया अधिक कर दिया, तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर एक असामान्य, असामान्य लाभों, असामान्य लाभों को संबंधित वर्ष से, संबंधित वर्ष से लेस करेंगे, घटाएंगे, लेस करेंगे। अब आप कहेंगे असामान्य लाभ क्या होगा, मान लो सट्टे का लाभ हो गया, मान लो किसी संपत्ति को बिक्री से लाभ हो गया, तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी कभार होती है, इसको असामान्य लाभ कहते हैं, जो नॉन रेकरिंग है, उसको आपको संबंधित वर्ष के लाभ से लेस करना है क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ है। नंबर दो असामान्य हानियां, असामान्य हानियों को, असामान्य हानियों को संबंधित वर्ष में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे आप, जो असामान्य हानि लेस कर रखी है इसको जोड़ेंगे, क्योंकि उनको क्या ऐड करना है, ख्याति का मूल्यांकन करना है। नंबर तीन
गैर व्यापारिक विनियोगों की आय को संबंधित वर्ष से घटाएंगे। आय को संबंधित वर्ष के लाभ या हानि जो भी स्थिति है में से लेस करेंगे। ये लाभ जुड़ा हुआ लेस करेंगे। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, इन तीनों का ध्यान रखना। और क्वेश्चन के साथ में असमय लाभों को आपको लेस करना है, असमय हानि पहले से जो घटी हुई इसको पुनः जोड़ना है, और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ब्याज जो भी लाभ के रूप में है उसको आप हमेशा लेस करें। अब मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा बात समझा रहा हूँ। आज जो तीन बातें आपने पढ़ी, नंबर एक पढ़ा ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति के प्रकार क्या है, ख्याति की प्रकृति क्या है, फिर अपन ले रहे हैं नंबर दो ख्याति के मूल्यांकन, और उसमें जो पहला मेथड आपका है वो है औसत लाभों के आधार पर, उसमें भी नंबर एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखना पहला क्वेश्चन, एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के पीरियड दुगने के आधार पर मूल्यांकन की जाती है। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट आपको 5 साल के दे रखे हैं, और यहाँ लाभ है 25,000, 15,000 का लाभ, 12,000 की हानि, 12,000 का लाभ और 20,000 का लाभ। अब आपको सिंपल कोई वेरिएशन कोई एडिशन नहीं, जैसे मैंने आपको समझाया था, इसमें आपको औसत लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बराबर आपको जितने वर्षों का परिणाम दे रखा सबको जोड़िए, ₹25,000 प्लस 15,000 माइनस 12,000 लॉस है प्लस 52,000 प्रॉफिट प्लस 20,000 बटे 5 वर्ष है, 5 वर्षों का भाग हो गए, जोड़ी 25, 15, 40, 40 और 12 लेस कीजिए, 40 पर 28, 28 और 2, 30 पर 80, 80 और 20, 1,00,005 रुपीज, 1,00,005 वर्ष, ये 5 ईयर है, ये संचित लाभ प्लस असमचित लाभ अपॉन 5 ईयर। अब यहां 5 साल का भाग दीजिए, 20,000, 20,000 रुपये जो है ये औसत लाभ है, ये एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट। अब आपसे पूछा है वेरिएशन गुडविल, ख्याति का मूल्य 2 वर्षों के पीरियड के आधार पर, नाउ गुडविल, नाउ वेरिएशन गुडविल, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज या 2 ईयर परचेज, 2 वर्षों के पहले आधार पर वो सब आपका 20,000 रुपए है, यानी रुपीज 20,000 इनटू, अब आप देखिए क्वेश्चन में दोगुना, 2 वर्षों के पहले आधार पर 2 ईयर परचेज बराबर 40,000 रुपए, जो 40,000 रुपए है ये आपकी फर्म की गुडविल मानी जाएगी। तो कैसे क्या है, 5 वर्षों के लाभ देते हैं 25,000, 40,000, 40 में 12 28, 28 और 52, 80, 80 और 20, 1,00,000, 1,00,000 का बंदे 20,000, और 2 वर्षों की तरह गाते 2 टाइम्स दुगना 20,000 में 2, 40,000 में फंड में चाहिए। यह आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन काफी पूरी है, मैं ध्यान दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन दो, क्या कर रहा हूं, सर क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ एड्रेस में आपको दे रखे हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के उसी लाभ के 2 वर्षों के करीब आधार पर करना है। बस आपको 3 दे रखे हैं, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, और आपको दिया है 50,000 लाभ, इसमें 15,000 रुपये असमय लाभ शामिल है। तो 50,000 में 15,000 आपको लेस करना पड़ेगा क्योंकि असमय लाभ है, और 19-20 में 25,000 का लाभ है जिसमें 5,000 रुपये असमय हानि जांच की गई पुनः जुड़ेगी, और 20-21 में 33,000, 35,000 है, इसमें
3000 के गैर व्यापारी विनियोग की ब्याज शामिल है, इसको भी आपको आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप निकालेंगे सामाजिक औसत लाभ, या करेंगे समायोजित औसत लाभ। यहां कर सकते हैं एवरेज, ये प्रॉफिट बराबर। यहां देखना 50,000 रुपए में से 15,000 आपको लेस करना पड़ेगा, या कहता हूं रुपीज। फर्स्ट आपको 50,000 और माइनस 15,000, माइनस 15,000 प्लस प्लस 25,000 में 5,000 का असर आने जुड़ी है, ये 25,000 प्लस ये प्लस हो जाएगी असामान्य आने आपकी 5,000 रुपए, ये 5,000 और उसके बाद में प्लस तीसरा परिणाम 33,000 में 3,000 रुपए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की ब्याज जुड़ी हुई है, इसको आउट करना पड़ेगा। 33,000 और माइनस 3,000। अब इसका औसत 3 वर्ष 3 ईयर, आप जान 3 वर्षों के परिणाम है। अब इसको सही कीजिए, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गई 50,000 में 35,000, 15,000 के रुपीज 35,000 प्लस 25,000 प्लस 33 में 3 के 3,000 30,000 अपॉन 3 वर्ष। उसको जोड़िए आप 35 30 30, देख लीजिए आप, ये 50,000 35 25 30 33 30 60 55,000, यहां आएगा रुपीज 55,000 बल्कि 3। पुनः एक बार देख लो, 50 में 15 गए 35 35 और 30 और 30 60 30, 55 तीन का भाग तो पूरा नहीं जाएगा, 3 3 9 और 31 2 36 18 36 18 36 में ये आपका औसत लाभ है 31,600। 3 3 9 3 3 2 36 18 36 18 36 18 7। अब उसके बाद में आपको बोला प्रश्न के अंदर 2 वर्षों की तरह याद रखो, ये औसत लाभ आया है। नाउ गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू टू ईयर परचेज उस लाभ 31,667 इंटू टू ईयर गुणा करो 7 14 1 4 13 1 4 13 1 3 3 6, ये आपके ख्याति का रेशियो आएगा 63,334 रुपए। ये आपकी वैल्यू को मिल है, वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आपका सभी क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन इसका ध्यान रखना जो एडजस्टमेंट है असामान्य लाभों को आपको लेस करना है, असामान्य हानियों या खर्चों को आपको ऐड करना है, और जो गैर व्यापारी विनियोगों का जो ब्याज आए हैं उसको आपको लेस करना है। फिर जोड़िए और उसके बाद जो औसत लाभ आएगा उस औसत लाभ को प्रश्न में कहा जाएगा कि 2 वर्षों के आधार पर दुगुना तिगुना जो भी कहा है उसको मल्टीप्लाई करके आपको रेशियो को निकालना। 2 प्रश्न ले रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ये अच्छा क्वेश्चन है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के उस लाभ के 3 वर्षों के करने का आधार पर करना है। आपको 3 सालों के परिणाम दे रखे हैं और एक एडिशनल और दे रखा है एक्स्ट्रा। साझेदारों का वेतन 6,000 रुपए वार्षिक है, या देखना 30,000 रुपए आपको लाभ दे रखे हैं जिसमें 10,000 रुपए सब्जेक्ट के लाभ शामिल है, इसको आपको लेस करना पड़ेगा और सामान्य लाभ है। 10,000 लॉस है और 50,000 रुपए की हानि चार्ज की गई, तो यहाँ देखना 50,000 रुपए के स्टॉक की हानि चार्ज की, इसका भी एडिशन करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। 24,000 रुपए हैं लाभ, 3,000 रुपए जो संपत्ति के वित्तीय लाभ शामिल है, इसको भी एडिशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप देखिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एडिशन प्रॉफिट बराबर अज्ञात में 30,000 रुपीज, 30,000 अभी आप सटीक लाभ है, 10,000
सेकंड ईयर देखना 50 ए आपका माइनस का सरदार है और प्लस ये 50,000 स्टॉक के रूप में जो लॉस हानि चार्ज की गई है उसको उन्हें जोड़ेंगे। इसके बाद में प्लस 24,000 और 3,000 के संपत्ति विक्रय लाभ है, असामान्य लाभ है, इसको काउंट कीजिए। 24,000 माइनस 3,000 बटे 3 वर्ष, 3 ईयर। अब उसको जोड़िए 20,000 प्लस 10,000 माइनस है 40,000 प्लस हो जाएगा। ये 10,000 आपका लॉस है, 50,000 रुपये प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर 40,000 और 24 में देंगे 21,000 प्लस 21,000 बटे 3 वर्ष। अब जोड़िए 40 की 60, 81,000 यहाँ आएगा 81,000 बटे 3 वर्ष, 3 × 6 = 2 = 21, 27,000 रुपये आपका औसत लाभ है। अब आपका एक और एडिशन है, 60,000 का वेतन 6,000 रुपये वार्षिक आपको लेस करना पड़ेगा, ये खर्चा है फर्म का। नेट एवरेज प्रॉफिट बराबर 27,000 रुपये, 27,000 माइनस 6,000 रुपये, 7,000 रुपये वेतन घटाइए, ये आपका आएगा 27,000 27 पे 6 लेस कीजिए, पुनः देखो आप 3 × 6 = 2 = 27,000 27 × 6 = 21,000 रुपये। अब नाउ गुडविल, गुडविल बराबर 21,000 रुपये इंटू, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पड़े, 3 वर्ष रुपये क्रेडिट आ रहा है, इंटू 3 बराबर कितना 63,000 रुपये। ये जो ख्याति का मूल्य होगा 63,000 रुपये ख्याति का मूल्य होगा। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आता है भारित कोष्ठक के आधार पर, इसके बारे में आप समझें। जब लाभों की ट्रेंड बढ़ती भी हो या हानियां घटती भी हो, लाभ बढ़ते रहे हैं, बढ़ रहे हैं या लगातार घट रहे हैं, तब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या है, 5 साल के लाभ दे रखे हैं और 5 साल के लाभ के औसत भारित कोष्ठक का दोगुना ख्याति का मूल्य होगा। प्रॉफिट 20,000, 30,000, 50,000, 70,000 लगातार बढ़ रहा है, 20, 30, 50, 70 और 1 लाख, तब आपको भारित औसत की दिशा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां देखिए भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ कैसे क्या करेंगे, इसको वेट देना पड़ेगा। यहां लिखते हैं प्रॉफिट ईयर 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको दिया 20,000, 20,000, 30,000, 50,000, 70,000, 1,00,000। अब ध्यान रखना, अभी आपने पीछे 3 क्वेश्चन किए वो थे सर सिंबल एवरेज मेथड के आधार पर, लेकिन ये तो भारत के आधार पर आपको वेट देना पड़ेगा। वेट वेट 1, 2, 3, 4, 5 रैंक देनी पड़ेगी, वेट देना पड़ेगा भार 1, 2, 3, 4, 5 6 वर्ष 6, 3 वर्ष 3। अब यहां आएगा वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट गुणा कीजिए आप 20,000 × 2 = 60,000, 50,000 × 3 = 50,000, 70,000 × 4 = 28,280 और 1,05,000 = 5,00,000। अब इसका योग कीजिए और डब्ल्यू का भी योग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, तो ये सिग्मा डब्ल्यू में 15 हो जाएगा और उसके बाद इसका योग संभालना 20, 80, 80 और 50, 31, 2, 30, 2, 30, 4, 30, 5, 10, 5, 4, 5, 2, 7, 8, 0, 0, 0 और 0, 6, 2, 8 और 13, 13 और
आठ इक्कीस दो तीन पांच पांच दस, ये आपका योग है 10,10,000। अब आप यानी कि वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर 10,10,000 बटे पंद्रह। और याद रखना, बाद देना पड़ेगा 10,10,000 बटे पंद्रह, दो पांच बाद दिया, पांच दस एक दो तीन, और ये तीन बार रहेगा तीन। उन्हें देख लो आप, पांच दस जीरो, पांच दस तीन शून्य, और पांच एक नौ तीन, तो याद रखना बराबर 36, 18, दो सात इक्कीस, एक तीन तीन तीन। अब आपको बोल रहा है ख्याति का दोगुना, नाउ गुडविल, नाउ गुडविल 67,333 इंटू कितना बोल रहा है, दो गुना इंटू दो बराबर, गुणा देखना, तीन दू छह, तीन दू छह, तीन दू छह, सात दू चौदह, ये चौबारे 13 रुपीज, 1,34,668। ये आपका वैश्विक गुडविल है, इसको क्या कुछ देख लेना, इसमें एक बार संभालो वापस, पांच और सात आठ का आठ और आठ का आठ का 13, 24, 23, 21, और 10, 10, ठीक है, 10, 10 में 15 भाग दिया हमने, तीन बार गया पांच ही 15, और पांच दो 10, पांच दो 10, तीन शून्य 36, 18, और दो 22 में 7, 21, एक तीन तीन और सही है 67,333। ये वेटेड वेज प्रॉफिट आया है, उसको दो से मार्क किया, टू टाइम्स है, वेरी शो प्रॉफिट है। नेक्स्ट है, अगर वीडियो देंगे, धन्यवाद।